जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय है कि यहूदा इस्करियोती के स्थान पर 12वां चेला किसे चुना गया। हम इस सवाल का जवाब एक शब्द में भी दे सकते हैं और एक पंक्ति में भी कि आखिर 12वां चेला कौन था, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस विषय को थोड़ा गहराई से समझें कि 12वां चेला किसे चुना गया, कैसे चुना गया और क्यों चुना गया, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी। तो आप वीडियो में बने रहें और धीरज के साथ पूरा वीडियो देखें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए 12 चेलों को चुना था। ये 12 चेले कोई आम लोग नहीं थे, वरन इन पर परमेश्वर का अनुग्रह था। हम इन्हें स्पेशल 12 भी कह सकते हैं। और स्पेशल क्यों, ये क्यों विशेष थे? साथियों, एक बार की बात है जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कहते हैं कि धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 16 से 17 में ये लिखा है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम धन्य हो, परमेश्वर की कृपा तुम पर हुई है कि कुल कायनात का मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब शरीर धारण करके पृथ्वी पर आएगा और वो अपने 12 चेलों को चुनेगा तो वो स्पेशल, वो विशेष, वो 12 लोग कौन होंगे? पूरी सृष्टि में से, पूरी पृथ्वी में से मात्र 12 लोग, इसीलिए हमने इन्हें स्पेशल 12 कहा। शायद मूसा ने भी ये चाहा होगा, एलिया ने भी ये चाहा होगा कि प्रभु जब आप पृथ्वी पर जाएं तो हमें भी अपने साथ ले लें, हमें एक और मौका या जीवन दें कि हम आपके साथ रहें, आपके साथ चलें फिरें इत्यादि। लेकिन ये अनुग्रह जिन पर हुआ उनके नाम इस प्रकार है। पहला शिमोन, जिसे उन्होंने पतरस नाम दिया, और आंद्रियास, पतरस का भाई, याकूब और यूहन्ना, जब्दी के पुत्र, फिर फिलिप्पुस, बर्तुलमै, थोमा, मत्ती, तदै और याकूब, हल्फी के पुत्र, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती। मत्ती अध्याय 10 उसके वचन 2 और 3 में ये लिखा है। यही वे 12 लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह ने अपना चेला बनाया। इनमें से एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, इसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह का सौदा कर दिया और कुल कायनात के स्वामी प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और जब इसे इस बात का एहसास हुआ तो इसने जाकर खुदकुशी कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब 12 चेलों में से एक चेला कम हो गया, कौन? यहूदा इस्करियोती। अब 12 चेलों के सामने ये सवाल आया, बहुत बाद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, उनके स्वर्गारोहण के बाद, चेलों ने इस कमी को पूरा करने के लिए एक और चेला चुनने के विचार पर गौर किया। आइए हम पहले वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब अध्याय 1 उसके वचन 16 से 26 में। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जहां लिखा है कि हे भाइयों, ये पत्रस कह रहा है कि हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वे लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा इस्करियोती के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वे तो हम में गिना गया
और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर और उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ खड़े रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है जिसका उपनाम यूस्तुस है, और दूसरा मत्तियाह को, और ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वे इस सेवकाई और प्रेरताई का पद ले जिसे यहूदा इस्करियोती छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अतः वे उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। आमीन। तो साथियों, यह पूरा प्रोसीजर चेलों द्वारा पूरा किया गया और चिट्ठी डाली गई, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। योना नबी की कहानी में भी हमने यही देखा था, उन्होंने चिट्ठी डाली। यीशु मसीह की कहानी में भी हमने यही देखा था, जब उनके कपड़े फाड़ कर सैनिकों ने चिट्ठी डाली। तो साथियों, ये पूरा प्रोसीजर चेलों द्वारा फॉलो किया गया, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, क्योंकि चेलों को पवित्र शास्त्र समझ आने लगा था। इन्हें याद आया कि दाऊद ने यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा था कि उसका घर उजड़ जाए और उसका पद कोई दूसरा ले ले। ये होनी थी, ये होकर ही रहा। इसलिए चेलों ने ये सब किया ताकि वचन पूरा हो सके। और 12वां चेला मत्तियाह को चुना गया और स्पेशल 12 एक बार फिर से तैयार किए गए ताकि वे जगत में जाकर मसीह के सुसमाचार को प्रचार करें। तो हमें आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 12वें चेले के स्थान पर किसे चुना गया और क्यों चुना गया और कैसे चुना गया। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम मसीही भाई बहनों में से शेयर भी करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।